और बढ़िया सा गुफा बना हुआ है। अरे ये देख रहे हो, ये खोपड़ी है, ये एक सैदान वाली खोपड़ी है। देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे मेन गेट पे रानी बाजार में। तो सबसे पहले चलते हैं ऊपर, देखते हैं गुफा कैसी बनी हुई है। ठीक है, देख सकते हैं वहाँ पीछे तक लाइन है। हेलो एवरीवन, जय माता दी। आई होप कि आप लोग टकाटक होंगे। दोस्तों मैं आ गया हूँ गोंडा यूपी 43, और पीछे देख सकते हैं बना हुआ है गुफा माता जी का पंडाल है। बहुत अच्छा और बहुत बड़ा और बहुत मस्त पंडाल है। यहाँ पे बहुत भक्तजन इकट्ठा हो गए हैं। तो चलिए आप लोगों को दर्शन करवाते हैं और अंदर घूमते हैं, देखते हैं गुफा कैसी बनी हुई है। और ये देख सकते हैं लाइटिंग कितनी अच्छे से है और बढ़िया सा गुफा बना हुआ है। और ये और बीच का जो रास्ता है उससे अंदर जाते हैं। तो अभी अंदर अंधेरा है तो मैं फ्लैश भी ऑन कर ले रहा हूँ, पहले से फ्लैश ऑन कर लिया हूँ। तो चलिए चल के आप लोगों को दिखाते हैं और अंदर जा रहे हैं, देख रहे हैं अंदर क्या है। और चप्पल उपल की चोरी नहीं होती है। भाई साहब ये देख रहे हो कितना खतरनाक है, मस्त बना हुआ है। तो भाई ये चल रहे हैं अंदर, एंट्री कर रहे हैं। तो अंदर आप लोग देख सकते हैं, मैंने फ्लैश जला लिया था भाई। अरे ये देख रहे हो, ये खोपड़ी है, ये एक सैदान वाली खोपड़ी है। अरे बड़ा खतरनाक है भाई, पूरा अंधेरा अंधेरा है, बहुत खतरनाक गुफा है। आप लोग देख सकते हैं ये। अरे मुझे लगा, पता नहीं, मुझे लगा भूत आ रहा है सामने से। अरे भाई साहब ये देख रहे हैं, और मुंडी डाउन करके चलना पड़ रहा है। अगर मुंडी उठाए तो काम से गियो, कमर का दर्द ठीक हो गया, कमर में दर्द है। और भाई ये देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल यहाँ पहुंच गए, और जिस गुफे से हम लोग आए हैं, तो ये गुफे से हम लोग से अंदर से आए हैं। बहुत अच्छी गुफा बनी हुई है। और यहाँ पे सामने जो है दान पेटी है, और ये देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है, यहाँ का डिजाइन कितना अच्छा है। और चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और माता जी की इतनी बड़ी मूर्ति है, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा भक्त हैं यहाँ पे। ये देखिए आप लोग, आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पे दोस्तों, और माता जी की मूर्ति कितनी बड़ी है देख सकते हैं आप लोग। अभी चल रहे हैं और रानी बाजार में चल रहे हैं दोस्तों, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी बहुत अच्छा है, माता जी का वहाँ पे बहुत अच्छा सजाया हुआ है। चलिए चल के आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पे। ठीक है, अभी पहुँचते हैं रानी बाजार। ये है गुफा जो बना हुआ है, जिसके अंदर से हम लोग आए थे। ठीक है, और इधर से फाइनल हम लोग एग्जिट हो रहे हैं अभी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये। और देखते हैं शूज रखा है कि नहीं रखा है। बच्चे जय माता जी। ये देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे मेन गेट पे रानी बाजार में, और अंदर कर रहे हैं एंट्री। आप लोग देख रहे हैं, और जिनके नाम से लाइट लगी हुई है, आरके लाइट एंड साउंड सर्विस लिखा हुआ है, और गेट बहुत ही अच्छा है। ये वही जगह है जहाँ पे गणेश जी का पंडाल बना हुआ था, और भक्त इतने ज्यादा है कि क्या बताऊँ भाई साहब। और सजावट और डिजाइन भी बहुत अच्छी है। तो चलिए माता जी के दर्शन करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि कितना अच्छे से जो है बनाया गया है। और ऊपर वहाँ पे सामने देख सकते हैं ओम लिखा हुआ है, और ये लाइट भाई देख रहे हो, मतलब लाइट जो ऊपर लगी हुई है, आई होप कि ये ऊपर वाली लाइट आप लोगों को दिख रही होगी, मतलब ये लाइट ब्लिंक कर रही है, कितनी अच्छी से ब्लिंक कर रही है। इस पर लगा हुआ है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ग्रीन लगा हुआ है, और कहने का मतलब है वाइट लगा हुआ है और रेड लगा हुआ है, तीन टाइप्स की लाइट लगी हुई है यहाँ पे भाई साहब। देख सकते हैं भक्त कितने ज़्यादा हैं, और भीड़ इतनी ज़्यादा है ना, और लोग प्यारे प्यारे गुब्बारे भी बिक रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग गुब्बारे वगैरह भी ले सकते हैं। और ये है दोस्तों
सेकंड गेट आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है, और ऊपर जो है ओम का सिंबल लगा हुआ है जो कि उसमें भी लाइट लगी हुई है। और चलिए चलते हैं ऊपर, और वहां पे भी गुफा बना हुआ है, तो सबसे पहले चलते हैं ऊपर, देखते हैं गुफा कैसी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जाने के लिए भीड़ कितनी है, और लाइन लगानी पड़ती है क्या यार? ये भाई लोग देखो लाइन में खड़े हैं। कितने टाइम से लगे भाई? 20 मिनट हो गए। ये बहुत लंबी लाइन है यार, इसमें जाने के लिए वहाँ से लाइन लगाना पड़ेगा। तो ये भाई लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं, वेट कर रहे हैं जो है गुफा में जाने के लिए। और अभी जो पहले पिछला गुफा दिखाया था वो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और लाइन काफ़ी लंबी है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ तक जो है लाइन लगी हुई है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा लाइन में जाएंगे तो उससे पहले मतलब जाएंगे भी अंदर, वहाँ घूमते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन उससे पहले चलिए चल के देख लेते हैं यहाँ पे नीचे जो है क्या बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये देख सकते हैं, और ये आप लोग जो ऊपर देख रहे हैं ना, इसमें गुफा बनी हुई है जहाँ पे भी लाइन लगी थी आप लोगों को दिखाया था। और यहाँ पे काफ़ी जो है धमाल और शोर मचा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और ये लाइटिंग है भाई, कुछ डीजे वीजे वाला कुछ शायद। और यहाँ पे मैं हूँ गोंडा यूपी 43, लोकेशन है मेरी। ये रथ है, और ये देख सकते हैं रथ में कौन बैठा है भाई, आप लोग बता सकते हैं अगर कमेंट करके कौन बैठा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन बैठा हुआ है, तो मैं जान जाऊँगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं भाई वाइट घोड़े हैं। ठीक है, और ये देखिए रथ कितना अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है रथ। भीड़ कितनी है देख रहे हो आप लोग, कितनी सारी पब्लिक है यहाँ पे। और यहाँ पे भी मतलब घोड़े पे सवारी कर रहे हैं जो है, ये देख सकते हैं। अब सामने से चल के आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए भाई साहब कितना अच्छा लग रहा है, घोड़े भी बहुत सुंदर सुंदर हैं, प्यारे प्यारे हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। यहाँ पे डांस हो रहा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और रोड लाइट से भी सड़क में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं ये है चट्टी गैंग, और इधर है ब्लॉगर गैंग, तो ये सब है ब्लॉगर गैंग, और इतने ब्लॉगर हैं भाई साहब देख रहे हो, ब्लॉगर गैंग है ये, और ये जो है, और ये जो है, और ये बंदा जो है देख लो ये पूंछ लगा के घूम रहा है फिर भी इसकी आवाज नहीं आ रही है, देख रहे हो इसको, इसको सोंड और काली मिर्च खाने के लिए बोलो इसकी आवाज नहीं आ रही है, फटके आ रही है। ठीक है, तो क्या है ये बंदा जो है कभी कभी चिढ़ जाता है, बुरा मान जाता है, लेकिन इसको हम लोग जो है कोपचे में ले जाके रसगुल्ला खिला के मना लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मस्ती मजाक हो गया है। और मैं बहुत अच्छा हूँ और भाई, अरे देख रहे हो मोबाइल छीन के भागने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हो मोबाइल छीन के भागने की कोशिश कर रहा है। देख सकते हैं वहाँ पीछे तक लाइन है, वहाँ मतलब बहुत दूर तक लाइन है,
अभी हम लोग लाइन पे लगे हैं और इनके भाई की वजह से लगे हैं, भाई ने जुगाड़ करके आने दिया, वरना बहुत दूर था, मतलब लंबा था और माता जी का दर्शन नहीं करवा पाता, हम लोगों को वीडियो नहीं बन पाती, तो अभी लाइन पे खड़े हुए हम लोगों का बहुत जल्द नंबर आने वाला है। तो चलिए अभी चलते हैं, देखते हैं गुफा के अंदर और माता जी का दर्शन करते हैं, ठीक है। एक साथ या पांच रोप को जाने देते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये लगा के रोका जाता है बांस यहाँ पे कि ज्यादा लोग ना चले जाए, ठीक है। तो अभी चल रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पे घूम में, फिर वहाँ पे दिखा रहे हैं अंदर, पता नहीं क्या होगा, शायद माता जी की मूर्ति रखी होगी, तो अभी चल रहे हैं, फिर आप लोगों को दिखा रहे हैं ये अंदर क्या है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं एंट्री मिल गई है हम लोगों की, हम लोगों को एंट्री मिल गई है दोस्तों, अभी जा रहे हैं अंदर और आप लोगों को दिखा रहे हैं, माता जी का दर्शन करवा रहे हैं। भाई चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और दो भाई लोग इधर खड़े हैं, देख सकते हो, मतलब नियम कानून से जाने को अंदर मिल रहा है, और गुफा जो है मतलब भाई एकदम बहुत अच्छा है, और वहाँ पे माता जी की मूर्ति रखी हुई है, तो चलिए चल के अभी दर्शन करवाते हैं आप लोगों को, ठीक है। भाई ये लाइंस देख सकते हैं कितनी लंबी लगी हुई है, हम लोग कहाँ से चल के आए, वहाँ से नीचे से मतलब आए उतना दूर से, और लाइन जो है अभी भी बहुत दूर बहुत लंबी लगी हुई है, ठीक है। तो फाइनल अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर पहुँच गए हैं, चले भैया। तो ये चल रहे हैं अंदर और देखिए गुफा जो है कितना अच्छा है यहाँ पे दोस्तों, ये गुफा है और देख सकते हैं कितना खतरनाक गुफा है भाई साहब, पूरा मतलब अगर लाइट ना लगा हो ना तो भूल भुलैया जैसा है, इसमें कोई भी आएगा ना तो भूल जाएगा, अगर अंधेरा कर दिया जाए ना, क्योंकि मैं फ़ोन का फ्लैश जला के रखा हूँ इसलिए दिख रहा है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं फाइनल पहुँच गए हैं माता जी के मूर्ति तक, माता जी का दर्शन करिए और जय माता दी लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। ये हम लोग गुफा के अंदर, आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ रानी बाजार की महारानी, ठीक है, और कितना अच्छा जो है और बड़ा सा मूर्ति है माता जी की, और चलिए यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, और बाहर निकलते हैं, और यहाँ पे एक अच्छा सा वो लगा हुआ है जिससे कि हवा निकल रहा है, मस्त सा बढ़िया सा हवा लग रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये गुफा के अंदर से हम लोग निकल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, और माता जी का जो है दर्शन हो गया, और रास्ता बहुत खतरनाक है भाई, भी दिखाता हूँ कैमरा फ्लिप कर, अच्छा है ना, रास्ता बहुत खतरनाक है, मतलब ये पूरा पैर में चुभ रहा है अगर ऐसे करके जा रहे हैं, तो फाइनल नीचे आ गए। तो दोस्तों ये माता रानी का दर्शन हो गया, अभी हम लोग गुफे के अंदर से भी घूम के आ गए, और दोस्तों आप लोग वो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा, और ये ब्लॉग था गोंडा यूपी 43 का रानी बाजार का। तो दोस्तों आप मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग।